हाँ जी सत श्री अकाल जी सारयां नूं। अज आपां पंजाबी सिंगर ते एक्टर युवराज हंस बारे गल करांगे, जो कि जिन्ना मिठा ते सुरीला गाउंदे ने ओनी ही वधिया उहनां दी एक्टिंग भी है। इस वीडियो विच आपां उहनां दे जीवन, फैमिली ते परसनल लाइफ बारे गल करांगे, सो पूरी जानकारी लई वीडियो नाल जुड़े रहो। सो सब तो पहला, युवराज हंस दा जन्म पंजाब दे शहर जलंधर विच 13 जून 1987 नूं पिता पंजाबी गायक हंस राज हंस ते माता रेशम कौर दे घर होया। उहनां दे भरा दा नाम नवराज हंस है, जो कि पंजाबी एक्टर ते सिंगर ने। युवराज हंस की हाइट 6 फुट 1 इंच के करीब है। सन 2022 के हिसाब नाल इन्हां दी उम्र 35 साल के करीब हो चुकी है। जे इन्हां दे विआह बारे गल करिए, इन्हां दा विआह 21 फरवरी 2019 नूं मानसी शर्मा दे नाल होया। विआह तो बाद मई 2020 नूं उन्हां दे घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने हरदास युवराज हंस रखा। युवराज हंस ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पहला गुरु अमरदास पब्लिक स्कूल जलंधर तो की, फिर उस तो बाद रविंद्रा डे बोर्डिंग सीनियर सैकेंडरी स्कूल जलंधर तो स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की। उन्होंने APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जलंधर तो ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन करने तो बाद वह अपनी अगली पढ़ाई लिए इंग्लैंड भी गए, पर युवराज हंस पढ़ाई विच ठीक ठाक ही सी। उन्होंने खेडन का बहुत शौक सी। स्कूल कॉलेज के दिनों च क्रिकेट बहुत खेडते होंगे सी। उन्होंने गायकी विरासत विच अपने पिता हंसराज हंस तो मिली। उन्होंने 6 साल की उम्र तो ही गाना शुरू कर दिया सी। स्कूल कॉलेज विच होने वाले प्रोग्रामा च वह अक्सर हिस्सा लेंदे रहिंदे सी। जे उन्होंने सिंगिंग कैरियर बारे गल करिए, उन्होंने साल 2012 नैना सोंग नाल म्यूजिक कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने यह सोंग पंजाबी फिल्म पिंकी मोगे वाली विच गाया सी। साल 2012 विच उन्होंने एक होर पंजाबी फिल्म बुर्रा विच साइयां सोंग गाया। उन्होंने दोवें गाणियां नूं लोकां दा वधिया रिस्पोंस मिलिया, जिस तों बाद 23 दिसंबर 2015 नूं उन्होंने अपनी पहली एल्बम रिलीज की, जिसका नाम सी युवराज। उन्होंने इस एल्बम विच 8 गाने सी। इस एल्बम का पानी सोंग सुपर डुपर हिट रहा सी। जे उन्होंने कुछ सुपरहिट ट्रैक्स की गल करिए, नचण तो पहला, सूफी सूफी, पत्थर ते वख ना हुंदे तो इलावा होर बहुत सारे गाने उन्होंने गाए। हुण जे उन्होंने फिल्मी कैरियर बारे गल करिए, उन्होंने साल 2011 दे विच पंजाबी फिल्म यार अणमुल्ले नाल अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने ये पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही। उन्होंने वधिया एक्टिंग करके उन्होंने 5वें पंजाबी फिल्म फैसटिवल डेब्यू अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। इस तों बाद साल 2012 विच उन्होंने दूजी फिल्म बुर्रा आई, जो कि बहुत ही कामयाब ना हो सकी। इस तों इलावा उन्होंने यार मलंग, मिस्टर एंड मिसिज 420, ਉੱਪਰ ਪਟੋਲਾ, ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੇ 11ਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਐਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਸੀ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।